वेलकम बैक टू माई चैनल बिग क्वीन ऑफ योर लाइफ। और ये मेरा क्वीन आ चुका है, क्वीन नहीं, ये मेरा प्रिंसेस। तो यस गाइस, आप लोग अगर प्रीवियस बर्थ व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था वीडियो के एंड में कि बेटी हुई है मेरा, और वो भी लक्ष्मी पूजा के दिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बिटिया को जॉन्डिस पकड़ रहा था। आफ्टर बर्थ का 3 डेज बाद टेस्ट होता है, बिलरुबिन टेस्ट। उसमें जॉन्डिस हल्का सा था, तो उसे 16 आवर्स तक रखा था लाइट पर, और रात को बहुत परेशान हो रही थी इसलिए मेरे पास दिया गया था। देख सकते हो लाइट पर थी। और यहाँ पे लंच, डिनर, नाश्ता बहुत बढ़िया बढ़िया मिला है नर्सिंग होम में। मैं एकदम मस्त से थी, और खाने पीने का एकदम भरपूर मात्रा में मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया यहाँ का खाना। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकफास्ट में मुझे इडली मिला हुआ था। अवीरा मैं देख सकता हूँ, सकती हूँ, मैं तो लड़की हूँ। तो वैसे यहाँ पे रेगुलर सूप मिलता था 10 AM ऐसा, विजिटिंग आवर्स के पहले। तो उसके बाद यहाँ पे मैं तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि पता नहीं कुछ बोलेंगे कि नहीं। वीडियो में थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना ली हूँ क्योंकि पता नहीं कोई डांटेगा कि नहीं, पर बस आप लोग के लिए मैंने वीडियो शूट किया हुआ था। तो पता नहीं, आज एक्चुअली ट्यूसडे था ना, सूप का स्मेल थोड़ा सा चिकन लग रहा था, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं। बाय द वे ये देख सकते हैं रूम में हम लोग शिफ्ट हो गए दूसरा रूम में। एक्चुअली खाने के इतना ज़्यादा वीडियो आ रहा है इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे देख सकते हैं पनीर का सब्ज़ी, पटल का सब्ज़ी, फ्रेंच फ्राइड, दाल भात, सलाद, बहुत कुछ खाने को मिलता था। और यहाँ पे देखिए नाश्ते में चाउमीन भी वो लोग दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा लाडो मेरी गुड़िया ए सो क्यों जा रहा है बोलू, आज लाडो ने दो पिया है मेरा लाडो ने नहीं, पापा का अवीरा 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 लाडो लाडो ए लाडो बोला तो मम्मी को देख रही है। तो ऐसे यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, खांसी भी हो रहा था, तो खांसी होने से स्टिचेस पे लग रहा था। तो यहाँ पे हुक्का जैसा कुछ दिया था जो कि मतलब धुआं अपने मुंह में ये करने के लिए भैपर टाइप्स था कुछ। तो उसके बाद नाश्ता मिल गया था, अच्छे नाश्ता में पोहा था जो कि बहुत बढ़िया खाने था। और यहाँ पर रेगुलर प्रेशर मापा जाता था। और यहाँ पे देख सकते बाबू भी सो रही है अपना कॉट में, यहाँ पे दूसरा पेशेंट भी बैठी हुई है और उनका भी ओटी हुआ है, उनका बेटा हुआ। तो गाइस इस रूम में हम लोग को शिफ्ट किया हुआ था, ये मेटर्निटी रूम नहीं था, ये एक्चुअली क्या बोलते हैं मीटिंग वाला जो हॉल होता है ना वो था, इसलिए कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर देख सकते पम्प का बॉटल, क्योंकि बाबू फीड नहीं कर पाती थी इसलिए पम्प करके उसको पिलाया जाता था। तो गाइस जो लोग मेरा चैनल में नया है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आगे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाला है, ठीक है। A few moments later ये लोग जा रहे हैं, अभी गाड़ी आने वाला है, गाड़ी का इंतजार में बैठे हैं गुलाब में। मेरी है
तो वैसे और फिफ्थ डे पे मुझे डिस्चार्ज हुआ। फोर्थ डे में डिस्चार्ज हो जाते पर बाबू को बिलिरुबिन पकड़ आया, मतलब जॉन्डिस हुआ था। तो उनको एक दिन का ऑब्जर्वेशन रखा था, 2 बार ब्लड टेस्ट किया गया है। बेचारी बहुत छोटी बच्ची है और इतना छोटी बच्ची का 2-2 बार खून टेस्ट हो चुका था, पर उसका शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर मना किया था हमको। तो देख सकते हैं अभी घर जा रहे हैं मामी का गोदी में करके। तो मामारी चले थे बाबू अखन ঢুকেছে, এখন স্নান পর্ব হবে না কি কি পর্ব সেরে ঢুকতে পেছনে মামু মামি মামির কোলে লাডো আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। চলো চালু, নখ কাটা পর্ব আমাদের ঘরে ঢুকে নখ একটা কেটে দিলাম। বাবাকে শুরু করেছে দেখ, দেখো চলে যাচ্ছে আগে কন্যা উপরে চাল গিয়া 5-10টা আঙুলে এ ছুঁয়ে নে কাট। হ্যাঁ ওরম করে একটু একটু করে কাট। মাম্পি কি করেছে আমি তো বলি না, যখন আসছে তখন তো সব উল্টে দেখছে। আমি বলতে যাচ্ছিলাম মাম্পি গেলা বলা গোজা হইছ না ছিল তো না না আমার ফাইলটাই তো ছিল, আমি বললাম আরো কিছু রাখা আছে কিনা, তাই যার যার বেডের তলায় সব ওই ফাইলগুলো গুজে দিচ্ছে। ওরা হ্যাঁ গুজে এই তো কাট এটা দেখে দিই নে হয়ে গেছে। পা 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 স্নান করবা দিয়া শ্যাম্পু দি চান ফান করে দিয়েছি, এখন ড্রেস চেঞ্জ করবো। চলো চলতে থাকবে কিন্তু।